लेवोसिट्रिजिन टैबलेट 5 mg। ये टैबलेट एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट होता है। ये जैसे कि कोई एलर्जी है या फिर कोई भी आपको मतलब कि कोई भी इंसेक्ट बाइट कर लिया उसकी वजह से रैशेज हो गया है, इचिंग हो रही है, तो उस सब चीज़ के लिए लेवोसिट्रिजिन लेते हैं। लेवोसिट्रिजिन बहुत सारे ब्रांड में मिलते हैं। ये लेवोसिट्रिजिन जो मेरे पास टैबलेट है ये सिप्ला की कंपनी का है, जो कि 5 mg की टैबलेट है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लेवोसिट्रिजिन का यूज़ क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, डोज़ कितना लेना चाहिए, डोज़ इंटरैक्शन क्या क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है और इसका यूज़ ये है कि रनिंग नोज़, स्किन रैशेस, मतलब कि जुखाम हो गया, सर्दी जुखाम में हम लोग इसको ले सकते हैं, या फिर कोई स्किन पे रैशेस हो गई है उसमें ले सकते हैं, इचिंग या सीजनल एलर्जी में भी इसको ले सकते हैं, इंसेक्ट बाइट अगर किसी चींटी ने या किसी ने काट लिया हो किसी इंसेक्ट ने और रैश उसकी वजह से रैशेस निकल गए हों बॉडी पे, तो तब भी हम लोग इसको लेते हैं, या फिर स्वेलिंग आ गई हो काटने की वजह से इंसेक्ट के, तो हम लोग लेवोसिट्रिजिन लेते हैं। और एलर्जिक अस्थमा में भी लेते हैं लेवोसिट्रिजिन, या कोई फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें भी हम लोग लेवोसिट्रिजिन लेते हैं। और लेवोसिट्रिजिन आप हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। अगर आप कोई दवा पहले से ले रहे हो तो आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करके ही इस दवा को लें। साइड इफ़ेक्ट है लेवोसिट्रिजिन के, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, टायर्डनेस होती है, स्वेलिंग ऑन लिप्स होता है, चक्कर आता है, कमज़ोरी लगती है, ये सब लेवोसिट्रिजिन के साइड इफ़ेक्ट हैं। लेवोसिट्रिजिन खाने के बाद नींद भी बहुत आती है, इसलिए लेवोसिट्रिजिन हमेशा रात के टाइम लेना चाहिए कि दिन में कोई काम करते वक्त या कुछ भी करते वक्त नींद ना लगे, इसलिए हमेशा डॉक्टर रात में ही कहता है कि लेवोसिट्रिजिन लें। डोज एडल्ट जो पर्सन होते हैं वो 5 से 10 mg तक के डोज ले सकते हैं, चाइल्ड में 5 ml डोज ले सकते हैं। प्रिकॉशन लेवोसिट्रिजिन के कि ड्राइविंग के टाइम लेवोसिट्रिजिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लेवोसिट्रिजिन लेने के बाद अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको नींद लग सकती है। और अल्कोहल लेते वक्त भी लेवोसिट्रिजिन नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको लीवर या किडनी की प्रॉब्लम है तो भी लेवोसिट्रिजिन अगर आप ले रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह से ही लेवोसिट्रिजिन लें। ये आज लेवोसिट्रिजिन के बारे में ये सारे रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद।